नमस्कार, मैं उस्मैन अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। सदर कोतवाली में थाना प्रभारी अशोक मिश्रा ने शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों के साथ की पीस कमेटी की बैठक। शनिवार को सदर कोतवाली थाना प्रभारी अशोक मिश्रा के नेतृत्व में व एसआई मुकेश तिवारी, राम भवन यादव, गणेश शंकर त्रिवेदी तथा कस्बा इंचार्ज मनोज पांडे के मौजूदगी में शहर के प्रतिष्ठित व्यापारियों के साथ थाना प्रांगण में की गई पीस कमेटी की बैठक। बताते चले कि आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली, ढाला, छठ आदि त्योहारों को देखते हुए थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी अशोक मिश्रा ने बताया कि इस बार जामडीह मेले का आयोजन कोरोना महामारी को देखते हुए नहीं किया जाएगा। साथ ही श्री मिश्रा ने व्यापारियों को पटाखे जलाने को लेकर सुझाव दिया कि बच्चों को ज़्यादातर पटाखों से दूर रखें। पटाखे मानव हित के लिए विनाशकारी हैं। प्रशासन के आदेश अनुसार इस दीपावली पटाखे बेचने के लिए एक जगह निर्धारित की जाएगी। ठेले, खोमचे इत्यादि को अन्य जगहों पर बेचने का अधिकार नहीं रहेगा। साथ ही हिदायत दिया कि दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं लोगों से अपील किया कि लोग त्यौहार घर पर रहकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत कुमार की खास रिपोर्ट। यार बंटी, मम्मी ना कितनी बुद्धू है, मुझसे कहती है टीवी मत देखो, एक चॉकलेट दूंगी, होमवर्क कर लो, एक चॉकलेट दूंगी, और फिर खुद ही दूध के साथ इतना सारा चॉकलेट दे देती है। केलॉग्स चॉकलेट्स अब इतना